एवरीवन, आज मैं आपको एप्पल से रिलेटेड कुछ इंग्लिश के मुहावरे बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये पार्ट वन है, तो इसमें हम तीन मुहावरे देखेंगे। पहला मुहावरा देखते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, इसका हिंदी में अर्थ होता है आँखों का तारा या बहुत अधिक प्रिय होना। जब भी आपको ऐसा कहना हो कि वह तो मेरी आँखों का तारा है या तुम मेरी आंखों का तारा हो, तो उसके लिए आप इस मुहावरे का उपयोग करें, एप्पल ऑफ वंस आई का। दूसरा जो मुहावरा है वो है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, लेकिन इसका कहीं भी मतलब आदेश या फिर जो एप्पल है उससे रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब होता है सुव्यवस्थित। कभी भी कोई भी सामान या कोई भी जगह सुव्यवस्थित, बिल्कुल सजी हुई, अच्छे से सारे सामान एक जैसे रखे हुए अगर आपको दिखाई दें और आपको कहना हो कि यह कमरा तो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित है या सुव्यवस्थित है, तो आप इस मुहावरे का उपयोग करें, एप्पल पाई ऑर्डर का। तीसरा जो मुहावरा है वो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका हिंदी में अर्थ होगा झगड़े का कारण, झगड़े की वजह या झगड़े की जड़। जैसे हम कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर जो है वो झगड़े का कारण है। आपको ऐसे ही कहीं कुछ कहना हो जब कोई झगड़ा हो रहा हो और आप कहें कि ये झगड़े का कारण है, तो आप इस मुहावरे का उपयोग उस जगह कर सकते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का। तो आज हमने तीन मुहावरे सीखे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।